हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग ईपीएमआर, एनओएमआर और सीआईपी रूल पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग ईपीएमआर, एनओएमआर और पढ़ेंगे सीआईपी रूल क्या होते हैं, जिससे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें जो आगे पढ़ना है वो है हमारा आरएस कॉन्फिगरेशन, डीएल कॉन्फिगरेशन और एरिथ्रो थ्रियो। तो वो बिना सीआईपी रूल के नहीं आने वाले। तो छोटा सा टॉपिक बचा है ईपीएमआर और एनओएमआर, आइए पहले उसको खत्म कर लेते हैं एंड देन उसके बाद चलेंगे हम लोग सीआईपी रूल पे। तो आपका जो बचा हुआ पार्ट था वो ईपीएमआर था। तो पहले हम लोग आज पढ़ेंगे ईपीएमआर क्या होते हैं, ठीक है। ईपीएमआर क्या होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में आपको क्या सिखाया है, लास्ट लेक्चर मैंने आपको दो चीजें सिखाई, चार चीजें सिखाई थी, याद है सबको। मैंने आपको सिखाया था कायरल सेंटर निकालना या एसिमेट्रिक सेंटर निकालना। फिर मैंने आपको दूसरा चीज क्या सिखाया था, इनान्स्योमर्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको क्या सिखाया, डायस्ट्रीमर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ व्हाट इज ईपीमर्स, ईपीमर्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से। अगर हम ईपीमर की बात करेंगे, ईपीमर का स्टार्ट, तो ईपीमर कुछ नहीं होते हैं, ईपीमर भी डायस्टीरियोमर्स ही होते हैं। बट इनमें क्या होता है, कार्बन नंबर एक को छोड़ के किसी अदर कार्बन पे कॉन्फिगरेशन पलट जाता है। जैसे मान लो पहला वाला छोड़ दो, एक में दूसरे में आर है, तीसरे में एस हो जाएगा, मतलब एक लेफ्ट में है तो अगले में क्या होगा, राइट में हो जाएगा, या तीसरे में लेफ्ट में है अगले में राइट में हो जाएगा। तो ये भी आपके क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर ही होते हैं। बट इनमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि दीज आर डिफरेंस इन कॉन्फिग्रेशन एट एनी कार्बन एक्सेप्ट कार्बन नंबर वन। वन पे तो कभी नहीं होगा, वन को छोड़ के किसी पे भी हो सकता है। तो हम इसको बोलते हैं क्या है कि ईपीमर्स आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स, ईपीमर्स आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स, ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स हैविंग चेंज इन कॉन्फिग, अच्छा अभी इसको नहीं लिखेंगे, आर डायस्टीरियोमर्स। पहले तो ये लिख लो कि ईपीमर्स आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स। दूसरा क्या होते हैं, तो दे हैव डिफरेंस इन कॉन्फिग्रेशन, दे हैव डिफरेंस इन कॉन्फिग्रेशन, इन कॉन्फिग्रेशन एट एनी कार्बन, एट एनी कार्बन एक्सेप्ट कार्बन नंबर वन। एनी कार्बन एक्सेप्ट मतलब कार्बन नंबर वन को छोड़ के किसी पे भी हो सकता है, एक्सेप्ट कार्बन नंबर वन। जो सी वन मतलब जहां पे आईयूपीएससी नंबरिंग शुरू करेगा, आप ना नंबरिंग जब करते हो तो जहां पे वन आता है उस कार्बन को छोड़ के और किसी भी कार्बन पे कॉन्फिगरेशन बदलेगा वो कहलाएगा ईपीमर ही। तो ईपीमर इज नथिंग, डायस्टीरियोमर ही होते हैं जिसमें कॉन्फिगरेशन वन को छोड़कर दूसरे तीसरे चौथे किसी पे बदल सकता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं भैया, एग्जाम्पल के थ्रू ही तो पता चलेगा ना कि हाँ क्या क्या हो सकता है। तो देखिए जरा एग्जाम्पल, ग्लूकोज के दो ईपीमर हैं, एक है मैनोज और दूसरा है गैलेक्टोज। तो पहले आप देखो ग्लूकोज बनाता हूं मैं, आप सभी लोग पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर वन सी एच ओ ग्रुप होता है। तो अगर हम सी एच ओ को ले लें तो ये सी एच ओ तो काउंट करना नहीं है, क्योंकि कार्बन नंबर वन छोड़ना है, तो पहले इसको छोड़ दिया जाएगा। ये हमारा ग्लूकोजवा है, ग्लूकोज है मतलब ग्लूकोजवा क्या होता है, ये है ग्लूकोज, ठीक है। इसके खाने से एनर्जी आती है ना, खाने से पीने से जैसे भी कहोगे एनर्जी आती है। ये हमारा डी ग्लूकोज है, इसको तो आप अच्छे से याद रखो कि इसी से सारा कंपेयर करने वाला है। सो दिस इज आवर कंपाउंड इज कॉल्ड डी प्लस ग्लूकोज, प्लस का मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं। अब इसमें कार्बन नंबर नंबरिंग अगर आप करिएगा तो आप सबको देखेगा कि कार्बन नंबर वन यहाँ होता है, ये होता है टू, ये होता है थ्री, ये होता है फोर, ये होता है फाइव, ये होता है सिक्स। और आप सबको बताया था कार्बन नंबर टू कायरल है, कार्बन नंबर थ्री कायरल है, कार्बन नंबर फोर कायरल है, कार्बन नंबर फाइव कायरल है। पांच ही कायरल सेंटर होते हैं इसमें, सॉरी चार ही कायरल सेंटर होते हैं, दो से लेकर पांच तक, ऊपर का और नीचे का कार्बन एक कायरल होता है। तो ये ग्लूकोज हो गया। अब इसका ईपीमर देखो क्या, मैनोज, मनोज नहीं मैनोज बोल रहा हूं मैं, मैनोज का स्ट्रक्चर जरा देखिए। मैनोज में भी सब कुछ सेम होता है, बस कार्बन नंबर टू का ओएच पलट जाता है, बाकी सब ओएच जैसे थे पहले कंपाउंड में वैसे ही रहते हैं, वो सब में कोई पलटा पलटी कहानी है नहीं। तो आप मुझे बताओ, बाकी सब जैसे थे वैसे रह गए और एक कार्बन पलट गया तो क्या लगता है आपको, सेम मॉलिक्यूल रहेगा कि डायस्टीरियोमर हो जाएगा। ये है प्लस डी मैनोज, इसका नाम है डी और प्लस साइन मैनोज। जरा इन दोनों में देखो भाई लोग क्या अंतर हुआ। अगर हम दोनों में देखें तो कार्बन नंबर टू का जरा ये देखिएगा, ये जो कार्बन नंबर टू है ये वाला है ना, ये कार्बन नंबर टू, थोड़ा इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ये कार्बन नंबर टू जरा ध्यान से देखो, आपको दिखाई दे रहा है कार्बन नंबर टू क्या हो गया, दिस कार्बन नंबर टू है डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन, बाकी यहां से यहां तक कोई मिरर नहीं है। जो ये था तीन तीन सेम है, चार चार सेम है, पांच पांच सेम है,
बट कार्बन नंबर जो टू था, सेकेंड वाला जो था, सेकेंड वाले का कार्बन हो गया उल्टा, है ना, कार्बन नंबर सेकेंड क्या हो गया उल्टा, इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है ईपीमर। और क्योंकि पोजीशन नंबर टू पे हुआ है इसीलिए इसको बोलते हैं सी टू ईपीमर, ठीक है, सी टू ईपीमर। जब कॉन्फिगरेशन सेकेंड कार्बन का बदलेगा तो सी टू ईपीमर, तीन पे बदलेगा तो सी थ्री ईपीमर, चार पे बदलेगा तो सी फोर ईपीमर कहलाएगा। तो मैनोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, सिर्फ कार्बन नंबर टू के OH को पलट जाता है बस, और बाकी सब सेम है। इसके बाद एक और कंपाउंड जिसका नाम है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज कहाँ पाया जाता है बच्चों, दूध खाए हो तो जो मिल्क होता है, मिल्क बनता है लैक्टोज से, और उसमें जो लैक्टोज है वो बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। तो आपको समझ में आ गया गैलेक्टोज कहाँ होता है, हमारा जो मिल्क शुगर है ना, मिल्क का जो मिठास है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना के रखे हुए हैं, क्योंकि इन दोनों से बनता है गैलेक्टोज। ये हमारा है डी गैलेक्टोज, इस कंपाउंड का नाम है डी प्लस प्लस साइन का मतलब होता है गैलेक्टोज डेक्सट्रोरेटरी। अब देखो जरा इसमें और ग्लूकोज में क्या अंतर है, अगर इन दोनों में डिफरेंस आपसे पूछूं तो आपको कहीं डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखो कहीं दिखाई दे रहा है, यस, लुकिंग एट कार्बन नंबर फोर्थ, चौथे कार्बन पर देख लो डिफरेंस है, चौथे कार्बन का OH और ग्लूकोज में पहले कार्बन का OH देखो सेम नहीं है, ध्यान से देख लो सभी लोग, यहाँ का चौथे कार्बन का OH राइट हैंड साइड था, यहाँ का चौथे कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये और आपस में क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया वन, और यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो चौथे कार्बन का OH बदला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं C4 ईपीमर। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज आर नथिंग, दे आर द ईपीमर्स, ईपीमर्स क्योंकि कार्बन नंबर चार का OH क्या होगा पलट जाएगा। तो ईपीमर अगर आपसे पूछे क्या होता है तो आप डिफाइन कर लीजिएगा कि ईपीमर भी डायस्टीरियोमर ही होते हैं, बस इनमें क्या अलग होता है, तो इनमें अलग होता है कार्बन पे कॉन्फिगरेशन, सिर्फ वन को छोड़कर टू थ्री फोर किसी पे हो सकता है। तो यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल है आपके पास, गैलेक्टोज और मैनोज का, जो कि ग्लूकोज के ईपीमर्स हैं। तो दीज आर द कॉल्ड ईपीमर्स, और ईपीमर्स क्योंकि डायस्टीरियोमर्स हैं तो डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उन सब का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब अलग अलग होगा। तो आप ग्लूकोज गैलेक्टोज की सॉल्युबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट अलग पाओगे, ग्लूकोज मैनोज दोनों का डिफरेंस पाओगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है बट मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी, क्योंकि दीज आर द नॉन मिरर इमेजेस, और जो नॉन मिरर इमेज होते हैं वो डायस्टीरियोमर होते हैं। क्लियर, बोलो सभी लोग को क्लियर है। तो ये आपको दिखाई दिया ईपीमर के बारे में, मैंने आपको समझा दिया। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द एनोमर, अगला जो हमें पढ़ना है वो है हमारा एनोमर्स। एनोमर भी खतरनाक चीज है, जैसे ईपीमर था वैसे ही एनोमर होता है। एनोमर क्या होता है किसी को पता है, आप में से किसी को पता हो तो एनोमर के बारे में बताओ क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, एनोमर कुछ नहीं होता है, जैसे अभी पढ़ा ईपीमर वैसे ही एनोमर है, बस एनोमर जो उसमें छोड़े थे यहां उसको पकड़ लेना है, कार्बन नंबर वन पे अगर चेंज होगा कॉन्फिगरेशन तो कहलाएगा एनोमर, और वन के अलावा किसी और पे चेंज होगा तो कहलाएगा ईपीमर। बस इतनी सी कहानी है ना, बस इतनी सी कहानी है जो आपको बतानी है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कार्बन नंबर वन पे ही कॉन्फिगरेशन बदल जाए तो एनोमर, वन के अलावा किसी और पे बदले तो ईपीमर। तो एनोमर्स आर द डायस्टीरियोमर, ये भी डायस्टीरियोमर ही होते हैं भाई लोग। तो दीज आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स बट कॉन्फिगरेशन वन पे बदलता है, दीज आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। पहले तो डायस्टीरियोमर ये भी हैं, फिर किनको कहा जाता है, दे हैव डिफरेंस इन कॉन्फिग्रेशन, दे हैव डिफरेंस इन कॉन्फिग्रेशन, इन कॉन्फिग्रेशन एट कार्बन नंबर वन, कॉन्फिग्रेशन एट कार्बन वन, यहां पे कार्बन वन पे ही डिफरेंस होता है, बाकी में कार्बन वन को छोड़ के किसी में डिफरेंस होता है ना, इसमें पहले ही कार्बन पर डिफरेंस होता है, और जिस कार्बन पर डिफरेंस होता है उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। आप सब बायोमॉलिक्यूल अगर कभी पढ़े होगे अच्छे से तो आपको पता होगा बायोमॉलिक्यूल में ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वही बताने जा रहा हूँ। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब एग्जिस्ट करता है ना
तो यहाँ का OH दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक इधर, बस बनाने दो मुझे, ये H OH H OH, पूरा स्ट्रक्चर बना लो पहले। इधर हमारा जाएगा OH H, और जो कार्बन नंबर 5 का O था ना वही चला जाता है साइक्लाइजेशन में, कार्बन नंबर 5 वाला जो OH है ना बच्चों वही साइक्लाइज करके रिंग बनाता है, ये हमारा बनता है ग्लूकोज। और अगर इस ग्लूकोज में आपका OH लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड गया ना LHS, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज नोन एज बीटा डी ग्लूकोज, ये आपका बीटा डी ग्लूकोज हुआ। तो ग्लूकोज दो फॉर्म में होता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, और दूसरा इसी का एक और स्ट्रक्चर बनता है अल्फा ग्लूकोज, जिसमें जो कार्बन नंबर 1 का OH है वो राइट हैंड साइड होता है, बाकी सारा स्केलेटन क्या होता है सेम होता है, बस आप जो ये देख रहे हो कार्बन नंबर 5वें का जो OH है वो, सॉरी कार्बन नंबर 1 का जो OH है वो कहां चला जाता है, वो सिंपली चला जाता है आपका राइट हैंड साइड में, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारा जो जहां था वो वहीं रहता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर देखो, ये है हमारा स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज का, दिस इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, तो दोनों ग्लूकोज ही हैं, बस कॉन्फिगरेशन कहाँ बदला है कार्बन नंबर 1 पे। अगर इसका हम IUPAC नंबरिंग करते तो यहाँ से होता 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिमिलरली यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बदला कहाँ पे देखिए ये वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे, अभी ये क्या था लेफ्ट हैंड साइड था, अभी कहाँ चला गया राइट हैंड साइड, तो जब लेफ्ट में होता है तो बीटा डी ग्लूकोज और राइट में होता है तो अल्फा डी ग्लूकोज, और जो अल्फा और बीटा ग्लूकोज हैं यही दोनों आपस में एनोमर कहलाते हैं, और जिस कार्बन पे कहानी हुई है उस कार्बन का नाम है एनोमेरिक कार्बन। देखो लास्ट टाइम जब मैं कार्बन सेंटर निकलवा रहा था तो मैंने आपको बताया था, चलो बच्चों जरा निकाल के बताओ कि कितने कार्बन सेंटर प्रेजेंट होंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में और कितने कार्बन सेंटर प्रेजेंट होंगे ओपन चेन ग्लूकोज में। तो ओपन चेन का पीछे देख लो, अभी बनाया आप लोगों ने, ओपन चेन में चार ही था, 1, 2, 3, 4, CHO नहीं था काइरल, बट जैसे ये साइक्लाइज होता है अब देखो ऊपर के कार्बन में क्या हो जाएगा काइरल, तो यहाँ पे काइरल सेंटर कितने हैं 5 और पीछे कितना था 4, तो जो काइरल सेंटर बना है नया काइरल सेंटर उसी का OH क्या होते हैं पलट जाते हैं, इसलिए मिरर इमेज नहीं है, पहले कार्बन का तो रोटेट हुआ, मिरर इमेज बना पहले कार्बन पर, बट नीचे वाले सारे सेम हैं। तो मैंने आपको बताया था डायस्टेरोमर में ऐसा कोई मिरर नहीं है जो मॉलिक्यूल के आधे पार्ट को रोटेट करे आधे को छोड़ दे, या तो रोटेट होगा तो पूरा होगा या तो नहीं होगा, तो ये आपका क्या है मिरर इमेज है ही नहीं, कि कोई मिरर ऐसा काम नहीं करता। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज आपस में क्या हो गए एनोमर। आया समझ में, बताओ सभी लोग क्लियर है? अब इसके आगे की बात करूं मैं, इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, ठीक है? ग्लूकोज सबको ध्यान से देखना, ग्लूकोज जो होता है एक्चुअली साइक्लिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और साइकिल जब ग्लूकोज का बनेगा तो ऐसे बनेगा, ध्यान से देख लेना बच्चों, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, पहले अल्फा बनाऊंगा फिर बीटा बनाऊंगा, ये OH नीचे, ये OH ऊपर, ये OH ऊपर, ये H नीचे, यहाँ का OH नीचे, यहाँ का H ऊपर, यहाँ ये H और ये CH2OH, यही आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, ये पहला कार्बन है जिसको एनोमेरिक बोलते हैं। अगर यहाँ का OH बच्चों नीचे हुआ है ना और ये H ऊपर, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। अब पूछोगे सर ये कैसे पता जाएगा ऊपर नीचे, तो देखो पहला कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 ये है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, 1 और 2 का OH सेम साइड, 3 का अपोजिट साइड, तब क्या होगा ये अल्फा, पीछे आ जाओ, कार्बन नंबर 1 का 2 का OH सेम साइड, तीसरे का अपोजिट साइड, चौथे का फिर से सेम साइड, है ना 1, 3, 4 सेम साइड, 1, 3, 4 सेम साइड, और ये वाला क्या होगा अपोजिट साइड, सेम चीज यहां मैं कराया हूं, देख लो 1, 2 और 4 सेम साइड और 3 का अपोजिट साइड, तो आपको क्या मिलेगा ये अल्फा डी ग्लूकोज। और यही अगर हम बीटा डी ग्लूकोज बनाते तो बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता, चलो OH ऊपर हो जाता,
एनोमेरिक कार्बन का जो OH था वो ऊपर होता। अभी वो भी दिखाता हूँ बना के, ये OH जहाँ था वहीं रहेगा, ये बदलते नहीं हैं, सिर्फ एनोमेरिक वाले बदलते हैं, बाकी कोई बदलता नहीं है। ये H H H CH2 OH। अब हमें क्या क्या करना है यहाँ पे, जब हम OH को ऊपर लगा देंगे और H को नीचे, दिस इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। देख लो, अच्छा पहला वाला क्या हो गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सब ऊपर नीचे, देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अल्टरनेट हो गया ना। इधर देख लो, यहाँ पे लेफ्ट, ये देखो इधर देखो, ये मैं गलत बना दिया था, यहाँ यहाँ ये गड़बड़ हो गया था, स्ट्रक्चर सही कर लो। ये H रहेगा, इधर OH रहेगा। हाँ बताते नहीं हो तुम लोग, बताना चाहिए ना, ये नॉर्मल ग्लूकोज था, ये OH इधर रहेगा, ठीक है ना, नहीं तो दूसरा बन जाएगा। तो ये हमारा रहेगा, सही है, अभी सही है, इसमें गड़बड़ हो गया था, हमने OH इधर लिख दिया था जबकि OH इधर ही रहेगा। ठीक, तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, है ना, लेफ्ट राइट चलेगा तो बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखो बीटा डी ग्लूकोज में ऊपर नीचे, तो ये आपका बीटा डी ग्लूकोज हो गया। ठीक, अगर इसमें से यहाँ का कॉन्फिग्रेशन बदलते, OH को ऊपर H को नीचे कर देते तो ईपीमर बन जाता मैनोज, और ये चौथे वाले को ऊपर नीचे कर देते यहाँ वाले तो उसका बन जाता गैलेक्टोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो सकता है वो भी पूछ दे गैलेक्टोज ग्लूकोज भी, तो वहाँ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि टू का OH बदला मैनोज बन जाएगा, फोर का OH बदला तो गैलेक्टोज बन जाएगा, और गैलेक्टोज मैनोज और ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं, ईपीमर होते हैं, एनोमर नहीं होते हैं। जब कार्बन नंबर वन पे केवल बदल रहा है, सिर्फ कार्बन नंबर वन का चेंज हुआ है यहाँ का, तो दोनों आपस में ईपीमर कहलाएंगे। तो दीज आर ईपीमर्स, ठीक है, दीज आर ईपीमर्स, ध्यान रखिएगा ये ईपीमर कहलाते हैं। सो ये हमारा ईपीमराइजेशन हो गया, ईपीमर का फॉर्मेशन। तो ये एनोमर और ईपीमर आप सभी को समझ में आ गया, जल्दी से बता दो समझ में आ गया तो, सभी लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट मारो, अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है इसके नेक्स्ट का, वो हम लोग को सी आई पी रूल पढ़ना है। आर एस कॉन्फिग्रेशन करने से पहले हमें सी आई पी रूल पढ़ना होता है, मैं आपको वही रूल पढ़ाने जा रहा हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, जल्दी से देख के बताओ। ओके सो चलो अब चलते आगे, ठीक है, सब इसको पढ़ते जाओ, कंप्लीट करते जाओ, हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट। अब हम लोग को पढ़ना है ना कॉन्फिग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, बट कॉन्फिग्रेशन पे जाने से पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट वन इज द कॉन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कॉन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कॉन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन और दूसरा होता है रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, पहला हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन, और दूसरा होता है रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, दूसरा होता है रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन। रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, पहले पढ़ाऊंगा एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन जहां भी आएगा इसको आर एस कॉन्फिग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम लोग जहां पे आर एस निकालते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज आर एस कॉन्फिग्रेशन। ठीक, और इसको हम लोग दो पढ़ते हैं, एक का नाम है डीएल कॉन्फिग्रेशन, डीएल, और दूसरे का नाम है एरिथ्रो एंड थ्रियो, एरिथ्रो और दूसरा है आपका थ्रियो। ठीक है, एरिथ्रो और थ्रियो कॉन्फिग्रेशन, तो ये दो हम लोगों को पढ़ने हैं। पहले हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन करेंगे। एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन का मतलब बच्चों ये होता है कि जैसा मॉलिक्यूल है वो प्रॉपर्टी अपना वो रखेगा, स्पेस में जाने से बदलता नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी चेंजेस नहीं होंगे। अगर स्पेस में उसको घुमा फिरा के उल्टा पुल्टा कर दे तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी प्रॉपर्टी बदल जाए, उसकी प्रॉपर्टीज रिमेन सेम रहेगी, तो एब्सोल्यूट कहलाएगा। रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन जो होता है ना, किसी को देख के कॉपी किया जाता है, जैसे हमारे चाचा का लड़का या हमारे बुआ का लड़का डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टर बनने जा रहे हैं, है ना, उनका लड़का या लड़की इंजीनियर है पड़ोसी के तो हमारे पापा ने कहा तुम भी बन जाओ, नाम रोशन हो जाएगा। तो तुम उसको देख के कॉपी करो, रिलेट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर की इच्छा वो नहीं है।
एब्सोल्यूट का मतलब होता है आपके अंदर है, डॉक्टर बनना है तो बनना है, इंजीनियर बनना है तो बनना है, दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां भी रहेंगे दिमाग में दो ही चीज चलेंगे, अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करें तो डॉक्टर बनेगा, मेडिकल बनना है तो मेडिकल बनना है, टीचर बनना है तो टीचर बनना है, आवारा बनना है तो आवारा बनेगा, वो एकदम एब्सोल्यूट है वही बनेंगे। ये नहीं कि वो अच्छा लड़का है तो हम भी टाई बूट पहन के अच्छा लड़का बने हैं, तुम अच्छा अंदर से ही नहीं हो ना, अंदर से तुम्हारे अंदर तो वो जानवर वाली चीजें हैं तो जानवर ही बनोगे ना। तो रिलेटिव में कहते हैं दूसरे को देख के हम कोशिश तो करते हैं बट बन नहीं पाते, तो रिलेटिव वही है कि उनके लड़का था, उनके हेयर कट ऐसा है तो हम भी हेयर कट ऐसा रख लेंगे, तो हेयर कट ऐसा रखेंगे तो हम भी वही बन जाएंगे, दाढ़ी हम लोग कबीर सिंह वाला रख लेंगे तो हम लोग कबीर सिंह बन जाएंगे, घंटा बन जाएंगे। रिलेटिव में ऐसा नहीं होता है, रिलेटिव में सिर्फ रिलेट कर सकते हो बट हो नहीं सकते हो, एब्सोल्यूट में जो होता है वही होता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विद इन द 3D स्पेस। तो आइए पढ़ते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। तो एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन में जाने से पहले ये RS कॉन्फिगरेशन होता है, हमें पढ़ना होता है CIP रूल या प्रायोरिटी रूल, उस रूल के बिना ये कभी नहीं आने वाला। तो एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज द एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन स्पेस, एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन स्पेस, ठीक है ना। स्पेस में जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल कॉन्फिगरेशन है वो ये बताता है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो RS है, R स्टैंड फॉर रेक्टस, R का मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आपको पता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना। जब क्लॉकवाइज PPL को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया जाता है तो जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और जब PPL को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है उसको हम लोग लीवो रोटेटरी बोलते हैं। वो S से मतलब हो, इसको S का मतलब होता है सिनिस्टर, है ना, सिनिस्टर, और सिनिस्टर का स्टैंड होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और जहां भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा भाई लोग उसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी, उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो लीवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी दो कंपाउंड है, तो अगर हमें RS निकालना है, R हमारा हो गया रेक्टस और S हो गया सिनिस्टर, हमें इन्हीं दोनों को पढ़ना है, इन्हीं दोनों को निकालना है, बट ये दोनों निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मैं CIP रूल की, बताता हूँ क्यों, ठीक है। देखो आपके पास कार्डियल सेंटर होता है ना, देखो ध्यान से, R कब बोलेंगे S कब, कार्डियल सेंटर है, अब मान लो हमने आपको A दिया, B दिया, C दिया और D, तो कार्बन कायरल हो गया। अब ये बताओ R है कि S है कि नहीं, पता हमको कैसे पता चलेगा, तो देखो हम यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी कि 1, 2, 3, 4, जिसकी प्रायोरिटी 1 होगी, फिर एक की प्रायोरिटी 2 आएगी, फिर एक की प्रायोरिटी 3 आएगी और एक की प्रायोरिटी आएगी 4। तो हम एरो प्रायोरिटी नंबर 1 से B पे जाएंगे, मतलब 2 पे, 2 से 3 पे और 3 से सीधे 1 पे, चार वाले से केवल मतलब है कि चार यहाँ नीचे है कि नहीं है, अभी वो भी आपको समझाऊंगा, अभी उतना दिमाग नहीं लगाना, अभी बस ये समझो प्रायोरिटी डिसाइड करना है। और एरो 1 से 2 प्रायोरिटी, 2 से 3, 3 से 1, अगर ये एरो क्लॉकवाइज गया, अगर ये एरो कहाँ गया, क्लॉकवाइज गया, तो कंपाउंड हमारा हो जाएगा क्या, R, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड R। और अगर इसी कंपाउंड में हमारा प्रायोरिटी जो था वो उल्टा हो जाता है, यहाँ A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, मतलब प्रायोरिटी 1 जो था वो ये हो जाता, प्रायोरिटी 2 ये हो जाता, प्रायोरिटी 3 ये और प्रायोरिटी 4 ये, तो अब हमारा एरो 1 से 2 जाता, 2 से 3 जाता और 3 से 1, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, है ना। तो जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम लोग लिखते हैं S, है ना, वो S कॉन्फिगरेशन, और जो क्लॉकवाइज आएगा वो R कॉन्फिगरेशन। तो अब हमको बस यही सीखना है, सर कैसे पता चलेगा कि किसकी प्रायोरिटी 1 होगी और किसकी प्रायोरिटी 2 होगी, वही तो सीखना है, वही तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसकी प्रायोरिटी क्या होगी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रायोरिटी रूल। अगर कायरल कार्बन पर चार ग्रुप लगे हैं तो चारों ग्रुप में किसको R बोलना है, किसको S बोलना है, किसको 1 प्रायोरिटी, किसको 2 प्रायोरिटी, किसको 3 प्रायोरिटी, दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम डायरेक्टली अटैच टू कायरल सेंटर।
सो लेट्स स्टार्ट, प्रायोरिटी रूल वही बताता है, उसके बिना आपको समझ आना नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रायोरिटी रूल या सीआईपी रूल। प्रायोरिटी रूल, इसी को सीक्वेंस रूल भी बोलते हैं, सीक्वेंस रूल, या इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है सीआईपी। तीन साइंटिस्ट थे, कॉन, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग, तो उनसे लिया गया रेफरेंस में इसको सीआईपी रूल भी कहा जाता है। सी से कॉन, आई से इनगोल्ड, पी से प्रिलॉग, ये सीआईपी रूल है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसका यूज क्यों करते हैं, तो पहली बात लिखोगे हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द प्रायोरिटी ऑफ एटम और ग्रुप, प्रायोरिटी ऑफ एटम और ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड विथ काइरल कार्बन। जो एटम या ग्रुप काइरल कार्बन से डायरेक्टली जुड़े होते हैं ना भैया, उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका काम ही है कि चलो भैया प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं इसका यूज करके, तो इट विल ऑलवेज यूज टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप और एटम डायरेक्टली अटैच विद द काइरल कार्बन। बेसिस क्या है, किस चीज पे बेस्ड होता है, तो इट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली एटॉमिक नंबर है, ध्यान रखना मास नहीं है, डायरेक्टली अटैच विथ काइरल सेंटर। जो एटम काइरल सेंटर से सीधे जुड़ा है उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा प्रायोरिटी। एटॉमिक नंबर, मास नहीं, वजन देख के मत करना शरीर तो बहुत बड़ा है इसकी प्रायोरिटी वन दे दे क्या, नहीं। और फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी रूल भी नहीं लगाना कि फंक्शनल ग्रुप सी डबल ओ सबसे टॉप पे, वो रूल नहीं लगता है, ये एटॉमिक नंबर का रूल लगता है। सारे रूल वन बाय वन समझाने जा रहा हूं, देखो कैसे, सबसे पहले देखो रूल नंबर वन, देखो रूल नंबर वन है ना। रूल नंबर वन क्या है, रूल नंबर वन ये बोलता है कि जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा उसकी प्रायोरिटी वन, उससे कम वाले के दो, उससे कम वाले के तीन, उससे सबसे कम वाले के चार होगी। ठीक है, तो एटम हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर विल हैव फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब वन प्रायोरिटी उसी को दिया जाएगा, समझ गया ना आप लोग, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है एंड सो ऑन, मतलब उसके बाद दूसरे वाले को दूसरा, तीसरे वाले को तीसरा, चौथे वाले को चौथा देना है। तो देखो कैसे करना है, सभी लोग देखना जरा बताना। तो आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, बताओ सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, आयोडीन का, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होगा, आयोडीन का वन, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। इसका एटॉमिक नंबर सबसे हाई 53 है तो वन होगा, इसका 35 है, इसका 17 है और इसका 9 है, तो आगे ना प्रायोरिटी डिसाइड करने, 1 2 3 4 प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब और लगाते हैं, एक आरएस मार देते हैं, जब चल ही रहा है तो एक आरएस निपटा ही दिया जाए ना। मान लो हमने यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ आयोडीन लगा दिया, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन। अब पूछेंगे एक कंपाउंड जो दिया गया आपके आंखों के सामने वो आर कॉन्फ़िगरेशन का केस का है, चलो मारो सब आंसर फटाफट, मारो एक लाइन से आंसर, देखते हैं किसका किसका सही होता है। हाँ भाई करो 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 आंसर करो आंसर, बताओ बताओ आर है कि एस है, सबको आना चाहिए प्रायोरिटी, तो ऑलरेडी इसका तो लिख दिया हो ना, तुम्हें क्या ही दिक्कत है, प्रायोरिटी तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 हमें पता है, 1 आयोडीन को देना सर, 2 ब्रोमीन को देना है सर, 3 इसको देना है सर, 4 इसको देना है, तो 1 से एरो कहाँ ले जाने का, 2 पे, 2 से कहाँ ले जाने का, 3 पे, 3 से 1 पे, रोटेशन है क्लॉक वाइज, तो कंपाउंड इज आर है ना।
रोटेशन क्लॉकवाइज है तो कंपाउंड आर हुआ, क्लियर, किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये पहला क्लियर है सबका। दूसरा आ जाते हैं, एक और एग्जांपल मारते हैं। हमने आपको दिया एक काइरल सेंटर, ये है ना, ये दिया। अब इसमें मैं ग्रुप लगाने वाला हूँ, मेरे को ग्रुप लगाने दो। हम यहाँ लगाएंगे H, यहाँ लगाएंगे CH3, यहाँ लगाएंगे OH और यहाँ लगाएंगे F। ये कंपाउंड आप लोग बताओ R है कि S है, इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन R होगा कि S होगा, ये पहला रूल, अभी रूल नंबर वन चल रहा है। तो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन जुड़ा होता है कार्बन सेंटर से, H से ऑक्सीजन जुड़ा है और H कार्बन से नहीं जुड़ा है, कार्बन सेंटर ही है। तो यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट होगा, प्रायोरिटी वन, दूसरा ऑक्सीजन का, तीसरा कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा, सबसे खराब किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो फ्लोरीन प्रायोरिटी वन, ऑक्सीजन प्रायोरिटी टू और कार्बन प्रायोरिटी थ्री। तो रोटेशन कैसे होगा, वन से टू, टू से थ्री और थ्री से वन। हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, ये एस। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, एरो एरो देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एस आएगा। तो आपको बस प्रायोरिटी डिसाइड करना, पहला रूल प्रायोरिटी डिसाइड करने का बेसिस एटॉमिक नंबर है। अगर एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है तो प्रायोरिटी वन, एटॉमिक नंबर लोवेस्ट है तो प्रायोरिटी फोर जाएगा। एरो वन से टू, टू से थ्री, थ्री से वन ही लाना है बस। तो आपको यहाँ पे सबका आ जाएगा, ठीक है। आधे लोग का सही आ रहा है, कुछ का गलत भी आ रहा है। नेक्स्ट रूल नंबर टू, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या बोलता है, देखो रूल नंबर टू में आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में आपको जानकारी है। आइसोटोप ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा तो फिर वहां पे प्रायोरिटी एटॉमिक मास डिसाइड करता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड बाय एटॉमिक मास, विल बी डिसाइडेड बाई एटॉमिक मास। यहां पे मजबूरी हो गई ना भाई लोग, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया। आइसोटोप्स में क्या होता है, ऐसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर ही सेम, तो पहला बेसिस एटॉमिक नंबर था सबका, जब नंबर सेम हो जाएगा तो उससे डिसाइड नहीं होगा, फिर मास का सहारा लेंगे। मास में सहारा लेगा तो हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप है, याद है ना, H1 प्रोटियम बोलते हैं इसको, फिर दूसरा ड्यूटेरियम है एटॉमिक नंबर वन मास दो, और तीसरा होता है ट्राइटियम एटॉमिक नंबर वन बट एटॉमिक मास तीन, है ना। ये आपका आइसोटोप हो गया, इसमें प्रायोरिटी हाईएस्ट किसकी है, द हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्राइटियम की होगी, फिर ड्यूटेरियम की होगी, फिर प्रोटियम की। ऐसे आप सबने पढ़ा होगा कार्बन के भी तीन आइसोटोप है ना, C12 और 14 मास, एटॉमिक नंबर, सॉरी 12 नहीं, एटॉमिक नंबर 6 है ना, वो 12 उसका याद आ गया, 6 और 14, 6 और 13 और एक है 6 और 12। तो यहाँ पे अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, सबसे हाईएस्ट एटॉमिक मास किसका है, कार्बन का है, 13 का, फिर 12 का, 14, 13 और 12। तो ऐसे आइसोटोप में देखोगे, आइसोटोप्स में एटॉमिक मास डिसाइड करते हैं, ना कि एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो एक आरएस यहाँ भी मार दिया जाए, कर ही देते हैं ना रूल नंबर टू में। आइए रूल नंबर टू में देखो, जरा आपको एक कंपाउंड हम दे रहे हैं, निकालिएगा। यहाँ हमने लगा दिया H, यहाँ लगा दिया T, यहाँ लगा दिया D और यहाँ लगा दिया F, है ना। T फॉर ट्राइटियम, D फॉर ड्यूटेरियम, H फॉर प्रोटियम, F फॉर फ्लोरीन। जबरदस्ती का F को कुछ और मत समझ लेना, बहुत मार खाओगे, यहीं गिरा दिए जाओगे मार मार के। F OH NH2 है ना, F नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे यहाँ H और यहाँ पे T, ये। तो पहले वाले में प्रायोरिटी डिसाइड करिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, इस वाले में। तो इस वाले में हाईएस्ट प्रायोरिटी तो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है सर, फिर ट्राइटियम सर, इसका मास, इन तीनों में मास देखा जाएगा सर, तो इसको 2 मान लीजिए सर, इसको सर मान लीजिए 3, और हाइड्रोजन सबसे कम का है तो सर 4 जाएगा ना। तो 1 से 2 घुमाइए सर, 2 से 3 और 3 से 1, सर ये तो क्लॉक वाइज जा रहा है तो इसको सर R लिख दीजिए, है ना R। बाकी लोग निकाल के बताओ R के S, दूसरे वाले के सभी लोग बताओ, दूसरे वाले का आप लोगों को बताना है, चलो जल्दी छापो, एकदम ताबड़ तोड़ मारो, छाप दो एकदम, आग लगा दो। लगा दो सभी लोग, देखते हैं क्या होता है, लगा दो।
कुछ के सही आ रहे हैं, कुछ के गलत आ रहे हैं। देखो फर्स्ट प्रोटीन दिया जाएगा OH को, एटॉमिक नंबर वन। सेकेंड प्रोटीन दिया जाएगा नाइट्रोजन को, थर्ड प्रोटीन ट्राइटियम को, और फोर्थ प्रोटीन प्रोटियम को। तो रोटेशन वन से टू, टू से थ्री और थ्री से वन, तो ये भी R ही है, दिस इज ऑल्सो R। सरल है, R है, सरल है, R ही आएगा, क्लॉकवाइज घुमा है, ठीक है। रूल नंबर टू क्लियर है, रूल नंबर टू। अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर थ्री पे। नाउ रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री क्या बोलता है जरा देखिएगा। रूल नंबर थ्री में क्या होता है ना, कभी कभी होगा पहला आइटम कॉमन हो जाता है ना, पहला आइटम कॉमन, तो अगर पहला आइटम कॉमन होगा तो प्रायोरिटी दूसरे आइटम से देखेंगे, दूसरा भी कॉमन तो तीसरे से, तीसरा भी कॉमन तो चौथे से, कुल कॉमन तो दो ग्रुप सेम हो जाएंगे, कार्यालय नहीं होगा। बस समझे कि नहीं? नहीं समझे? पहला आइटम कॉमन तो दूसरा आइटम देखो, दूसरा आइटम कॉमन तो तीसरा, तीसरा तो चौथा, चौथा भी कॉमन, पांचवा, कुल कॉमन हो गए तो हम दो ग्रुप को कंपेयर कर रहे, दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं, जब सब कुछ कॉमन है तो सेम, बट कायरल कार्बन पे सारे सेम नहीं होने चाहिए, तो वहां पे कायरल नहीं होगा, जो कायरल नहीं होगा उसका आरएस नहीं निकाला जाता है रे पगलो, वहां आरएस मत निकालना, ठीक है ना। सो यहां पे रूल नंबर थ्री बोलता है इफ फर्स्ट एटम इज कॉमन, फर्स्ट एटम इज कॉमन, देन प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड बाय, देन प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड बाय, विल बी डिसाइडेड बाय सेकेंड एंड सबसिक्वेंट एटम, सेकेंड एंड सबसिक्वेंट मतलब दूसरा या दूसरे के बाद वाला, सेकेंड और सबसिक्वेंट का मतलब होता है दूसरा या दूसरे के बाद वाला डिसाइड करेगा। अगर पहला आइटम कॉमन हो गया तो दूसरा देखेंगे, दूसरा कॉमन तो तीसरा, तीसरा कॉमन तो चौथा देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, फॉर एग्जाम्पल OH मान लो हमने ग्रुप जोड़ा OH, तो OH में O और H होगा, और एक हमने OCH3 जोड़ दिया, तो देखो दोनों में क्या होगा, पहला आइटम तो ऑक्सीजन है, पहला आइटम ऑक्सीजन दोनों में, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉमन हो गया, दूसरा आइटम यहाँ पे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर एक है, बट यहाँ पे दूसरा आइटम कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर छः है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी हाई होगी, इसकी प्रायोरिटी लो होगी, बात समझ में आई। पहला, दूसरा देखो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे हमने लिया आपको CH2F, CH2OH, CH2NH2 और आखिरी है CH2CH3। अगर बच्चों हम इसमें आपसे पूछे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का क्या होगा, तो देखो सबसे पहले ना एक यहाँ पे रूल आता है उसको दिमाग में रख लो, गलती नहीं करिएगा, इसको ऐसे लिखा जाता है कार्बन H, H और फिर F, फिर सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन H, नीचे भी H और यहाँ पे OH, सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन, कार्बन यहाँ पे नाइट्रोजन H2 और फिर यहाँ पे भी कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और CH3। ये ध्यान देना, गलती मत करना। ये सबसे पहले पहला आइटम देखो, सब में कॉमन है कार्बन, ये पहला आइटम कायरल सेंटर से ये जुड़ने वाला है, कायरल सेंटर से ये जुड़ने वाला है, ये ग्रुप जाएगा कायरल सेंटर पे जुड़ने, भी जोड़ के दिखाऊंगा। सब में पहला आइटम कॉमन है ना, पहला आइटम सबका क्या है, कार्बन है, कॉमन है, पहला जब कॉमन हो जाएगा दूसरा सबसे हाई प्रायोरिटी वाला देखना, ये मत देखना सर दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये बेवकूफियत होती है, ये नहीं करना। करना क्या है, कार्बन के जस्ट बाद जिस तीन ग्रुप है ना, तीन, तीनों में जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा वो देखा जाता है। तो यहां पे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारा आ रहा है फ्लोरीन का, यहां पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यहां पे नाइट्रोजन का 7, यहां कार्बन का 6, तो हमें पता है कि फ्लोरीन 9 है तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर यहां पे ऑक्सीजन का हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन का हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पहला आइटम कॉमन तो दूसरा हाईएस्ट नंबर वाला लेंगे, लोवेस्ट वाला मत लेना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, फिर हवा खाते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला, गलत हो जाएगा। तो ये प्रायोरिटी, पहला कॉमन तो दूसरा, दूसरा कॉमन तो तीसरा, तीसरा कॉमन तो चौथा देखा जाता है। दिख गया ना प्रायोरिटी साफ साफ, प्रायोरिटी समझ में आ गई ना, मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब हम लोग इसको आरएस का कन्वर्ट करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी ग्रुप को लगा के, हमने आपको दिया ये कि बच्चा लोग ऐसा करो इसका ना आरएस निकाल दो। अब बच्चे लोग तैयार, हाँ सर मैं निकालूंगा, चलो इसका निकाल दो जरा जल्दी से। तो ये OCH3 है, ठीक है निकालो इसका। तो आप बोलोगे सर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाए, ये ओ ओ कॉमन है तो ओ के बाद CH3 आया तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर ओ को सेकंड देंगे,
इसको थर्ड देंगे सर, इसको चौथा देंगे। तो सर वन से टू घुमाइए, टू से थ्री घुमाइए, थ्री से वन, देखिए आर आ गया, आर आ गया कि नहीं आ गया, आसानी से आ गया। एक और एग्जांपल सर दे दीजिए जरा, उसको भी देख लें। तो ले लो भैया सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू ओ एच सी एच टू एफ और यहाँ पे सी एच टू एन एच टू। अब इसमें निकालना है, तो इसको अगर निकालना तो आप लोग बताइए आर के एस अकॉर्डिंग टू, ये आर है या एस है? सभी लोग देखो और बताओ आर है कि एस है। दूसरा कंपाउंड आपको लोग आर या एस, प्रायोरिटी ऊपर लिखा हूं तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? तीनों में चारों में कार्बन कॉमन है, दूसरा यहां पर ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन को पहले प्रायोरिटी, नहीं गलत कर देना, फ्लोरीन, फ्लोरीन ऊपर है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी फ्लोरीन को, फिर दूसरा ऑक्सीजन को, तीसरा नाइट्रोजन को, चौथा कार्बन को। तो रोटेशन वन से टू, टू से थ्री, थ्री से वन, नाउ आर प्रोडक्ट इज आर। बस रोटेशन सही से चेक करना। अब ये जो डबल बॉन्ड खींचना उसका मतलब ये नहीं को कुछ है, वो बस बताने के लिए है कि आर है, नीचे भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ। कुछ लोग ना ऐसा करते हैं कि ड्रॉ क्रॉस खींचे सर, तो ऐसा नहीं है, वो बस मैंने ऐसे खींच दिया है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका वैल्यू उस पर फोकस करने का। ठीक है, समझ आया भाई लोग? ये रूल नंबर क्या हो गया, थर्ड। थर्ड रूल में पहला कॉमन तो दूसरा, दूसरा कॉमन तो तीसरा, तीसरा कॉमन तो चौथा, चौथा कॉमन तो पांचवा, जब तक कॉमन आता रहेगा अगला बढ़ाते जाओ, सब कॉमन आ गया तो कायरल नहीं, उसका आरएस नहीं निकालिएगा, जबरदस्ती नहीं। आखिरी रूल, रूल नंबर फोर, रूल नंबर फोर। तो रूल नंबर फोर के लिए क्या खास होता है, ये मल्टीपल बॉन्ड के लिए है, ठीक है ना? तो मल्टीपल बॉन्ड में जो ट्रिपल बॉन्ड है उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है डबल से, डबल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सिंगल से। तो इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड प्रायोरिटी विल फॉलो, विल फॉलो, क्या फॉलो करेगा? देखिए ट्रिपल सबसे ज्यादा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जहां भी आएगा ध्यान रखिएगा एक चीज, एकदम पक्का याद रखिएगा, अभी बताता हूं, ट्रिपल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड वाले ज्यादा होंगे, मगर ये ध्यान रहे कि कार्बन कार्बन से जुड़ा हो, कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ गया तो सिंगल बॉन्ड भी ज्यादा हो जाएगा। सेम टाइप के एटम होंगे तब ट्रिपल डबल सिंगल करिएगा, अलग अलग एटम हो जाएंगे तो नहीं। जैसे सर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, पहले समझ लो इसका मतलब क्या हुआ सर। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लिखने का मतलब हम इसको सी एच ऐसे लिखेंगे, ये तो कायरल सेंटर जाके जुड़ जाएगा। इसको बताया ये जाता है, इस तरीके समझाया जाता है, आपको भी समझ आएगा। ये कार्बन इस कार्बन से तीन बार जुड़ा है, और ये कार्बन इस कार्बन से तीन बार, और एक बार इस हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो इसको एक्सपैंड करके ऐसे लिखा जाता है कि ये कार्बन है, ठीक है, जो तीन बार कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हमने लिख दिया तीन बार कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन जो ये वाला है तीन बार कार्बन से जुड़ गया। सिमिलरली ये कार्बन भी तीन बार कार्बन जुड़ा है, तो एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, और ये तीसरी बार, ये ऊपर कार्बन रहेगा हाइड्रोजन रहेगा कार्बन, तो तीन बार कार्बन से और एक बार किससे जुड़ा होगा, हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये भी तीन बार कार्बन से, देखो बीच वाला कार्बन तीन बार कार्बन से हो गया, ये वाला तीन बार कार्बन से, एक बार हाइड्रोजन से। अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बोलते तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब होता है दो बार कार्बन से और एक बार हाइड्रोजन से, और किनारे वाला दो बार कार्बन से दो बार हाइड्रोजन से। तो उसको जब हम लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये दो बार कार्बन से एक बार कार्बन, दो बार कार्बन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो देखो किनारे वाला जो कार्बन है दो बार हाइड्रोजन से, क्योंकि सी एच टू है, और दो बार कार्बन से जुड़ा है, और बीच वाला जो था वो दो बार कार्बन से और एक बार हाइड्रोजन से, एक बार ये चला जाएगा अपने घर, अपने घर का मतलब कार्बन सेंटर के पास। अब देखो कैसे पहचानोगे, अगर दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करनी हो तो पहला आइटम कार्बन, पहला आइटम कार्बन, यहाँ दूसरा आइटम भी कार्बन, यहाँ दूसरा आइटम भी कार्बन, यहाँ तीसरा आइटम भी कार्बन, यहाँ भी तीसरा आइटम कार्बन, बट यहाँ चौथा आइटम कार्बन, बट यहाँ चौथा आइटम हाइड्रोजन। आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना? पहला दूसरा तीसरा कॉमन, पहला दूसरा तीसरा कॉमन, चौथा कार्बन, चौथा हाइड्रोजन, तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा आ गई। अब सिंगल बॉन्ड में आ जाओ, तो जब हम सिंगल बॉन्ड करेंगे तो सी एच टू और सी एच थ्री होगा, मतलब एक बार कार्बन से और दो बार हाइड्रोजन से। तो इसको दो बार हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन से, एक बार कार्बन से,
किनारे वाला क्या होगा, एक बार कार्बन से और तीन बार हाइड्रोजन से। अब देखो इस भाई साहब के यहाँ क्या दुख है, एक ही बार कार्बन, दूसरी बार कार्बन, तीसरी बार हाइड्रोजन, चौथी बार भी हाइड्रोजन, तो इससे भी गया गुजरा हो गया ना। पहला कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरा ही हाइड्रोजन हो गया, तो इसकी प्रायोरिटी इससे भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से कम होगी, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, सॉरी उल्टा बोल दे, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा, और सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी ही होगी, ये तो श्योर है ना, दिख गया ना। अब मैं जो समझाना चाह रहा था उसको ज़रा समझिए, क्या गलती करते हैं आप लोग, गलती ये करते ना कि सर ये बताइए कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH और CH2NH2 में किसकी प्रायोरिटी सर ज़्यादा होगी, ये तो सिंगल बॉन्ड है सर, आपने कहा था सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम होगी, तो मारेंगे तो बड़ा गाल लाल हो जाएगा तुरंत, बेवकूफियत नहीं करना। देखो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, क्यों, आइडेंटिकल एटम नहीं है रे भाई, यहाँ सब तुम कार्बन कार्बन ही लगाओगे ना, हाँ कार्बन कार्बन का चेन लगा दोगे, बट इसके यहाँ क्या लगाओगे, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ये क्या लगेगा, नाइट्रोजन पर एच और एच। पहला आइटम देखो क्या है इसमें, कार्बन, यहाँ पे पहला आइटम कार्बन, इसका दूसरा आइटम नाइट्रोजन आएगा। अब तुम, मैंने समझाया ना, हाइड्रोजन मत काउंट करना, जो मोस्ट प्रायोरिटी का होगा पहले उसे देखा जाता है। तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन, इसमें कार्बन के बाद कोई नाइट्रोजन नहीं आएगा, कार्बन के बाद कार्बन ही आएगा, तो पहला कॉमन, दूसरा नाइट्रोजन है या दूसरा कार्बन है, तो नाइट्रोजन की प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए शुरू में समझाया था, अगर पहला कॉमन है तो दूसरा दूसरे हाइएस्ट प्रायोरिटी वाले से देखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, आ गया ना। तो आइए देखते हैं अगला, एक आर एस एस भी कर लेते हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक कर ही लिया जाए। सी ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 फ्लोरीन और CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें अगर प्रायोरिटी पूछा जाए तो R है कि S है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी फ्लोरीन देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले को देंगे 2, ये 2 है, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ये भी R आ गया, मतलब जो भी बना रहे हैं वो R ही हो जा रहा है, मतलब S भी आएगा, ऐसा नहीं कि S नहीं आएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये प्रायोरिटी रूल सभी को समझ में आ गया, देख लो सभी लोग और बताओ। सभी को समझ में आया, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक और कर देते हैं एग्जांपल आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चों के लिए ज़्यादा एग्जांपल करना होता है, बस कब तक रहोगे ये ही नहीं पता है ना, अच्छे बच्चे कब तक हो, कल बदल जाओ, हाँ कल चोर हो जाओ, चुट्टे हो जाओ। और यहाँ पर हमने लगा दिया NH2। अब आपसे पूछा जाए ये R है कि S है, बताइए ये R है कि S है, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा, whether this is R और S, देखिए और बताइए। निकाल लोगे ना, ये तो आसान है ना, गलत कर दिए, गलत नहीं करना है, पहला नाइट्रोजन है, पहला प्रोटीन नाइट्रोजन लेगा, फिर देखो कार्बन के बाद कार्बन, यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा, तो दूसरा ये लेगा, तीसरा ये लेगा और चौथा लेगा ये, तो ये 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 3 से 1, तो ये क्या हो जाएगा, S, इसका कॉन्फ़िगरेशन S होगा, है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S, क्लियर है सबको। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी रूल और सिक्वेंस रूल या जो भी था। अब अगले लेक्चर में आपको RS कॉन्फ़िगरेशन ढंग से पढ़ाऊंगा पूरा, RS कैसे निकालते हैं, कितने टाइप के सिस्टम RS निकाला जाता है, तो ये कल के लेक्चर में होगा। तब तक सब लोग आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय, अच्छे से पूरा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, और एक बार बच्चों डेली शेयर कर दिया करो, और सुबह जब भी आपको नींद खुले एक बार जरूर चैनल देख लिया करे, आपके लिए कंटेंट पड़ा रहता है, ठीक है, और सारे कंटेंट आपको काम आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइम आ गए हैं, अब जो भी लेक्चर में कराऊंगा, लेक्चर में जैसे मैं यहाँ पढ़ाया ना, तो बीच में ही क्वेश्चन रहेगा, बीच में क्वेश्चन डाल दूंगा PPT के थ्रू, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके 5-6 क्वेश्चन वहीं करा देंगे, फिर अगला टॉपिक, फिर 5-6 क्वेश्चन, तो थोड़ा सा तरीका पढ़ाने का मैं चेंज करूंगा, क्योंकि अब थोड़ा आपको मैंने सिखा दिया, अब आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा दिया हूँ, तो अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव बेस्ड पे आएंगे, ठीक है। अभी तक मैं पूरा पढ़ाता था इसलिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको पहले सीख लो, अब आप लोग काम भर के सीख चुके हो, अब हर लेक्चर में क्या होगा, 10 मिनट पढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव 2-4 क्वेश्चन आपको वहीं पे प्रोजेक्ट कर दूंगा, सामने ही आप लोग लगाओगे, ठीक है ना। तो पढ़ते जाएंगे, वहीं खाया पिया पचाया हाजमोला का प्रचार करेंगे,
कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिनिश, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिनिश। ऐसा ही प्रोजेक्ट चलेगा और हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो कल से मिलेंगे, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सभी लोग। थैंक यू सो मच।